क्या आप जानते हैं कॉफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है और ये कई सारी बीमारी में फ़ायदा कर सकता है, कई सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। लेकिन इसे लेने का सही समय, किस तरीके से इसे बनाना है और ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या दूध वाली कॉफ़ी आपको लेनी है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। दोस्तों, कॉफ़ी की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है, ये बहुत ही टेम्पटिंग खुशबू वाली रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। लेकिन आपको किस तरीके से कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें या आपको हेल्थ बेनिफिट दें, तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी गई है। अगर आप इसमें दूध और शक्कर यानी कि चीनी शुगर ऐड करते हैं तो इसके फ़ायदे जो हैं कम हो जाते हैं और इसके इफ़ेक्ट उतने नहीं होते हैं जितने कि ब्लैक कॉफ़ी के होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको खाली पेट सुबह यानी कि एम्प्टी स्टमक पे कॉफ़ी कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक अपसेट कर सकता है। दोस्तों, कॉफ़ी को कॉफिया अरेबिका नाम के पेड़ पर लगने वाले फल से तैयार किया जाता है। इस पेड़ पर लगने वाली फलियाँ को भूनकर और पीसकर कॉफ़ी पाउडर तैयार किया जाता है। कॉफ़ी पाउडर से कई तरह की कॉफ़ी बनाई जाती है, जैसे ब्लैक कॉफ़ी, कैपेचिनो, एक्सप्रेसो, कॉफ़ी लाते और कोल्ड कॉफ़ी। कॉफ़ी की लोकप्रियता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि कितने लोग इसे दुनिया भर में पसंद करते हैं और अपने ड्रिंक में, अपने डेली लाइफ में इसे शामिल करते हैं। दोस्तों, अभी जानते हैं हम कॉफ़ी के बारे में फ़ायदे कि कॉफ़ी का सेवन अगर आप लिमिट में करते हैं यानी कि 1 से 2 कप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं या हफ्ते में 3 से 4 बार लेते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो कॉफ़ी में कैफीन होता है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके वजह से आपको कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपको वज़न घटाना है, बहुत ही नेचुरल तरीके से मोटापा कम करना है, वेट लॉस करना है, तो कॉफ़ी का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इसे ब्लैक कॉफ़ी के रूप में ही आपको लेना है, बिना चीनी ऐड किए, बिना दूध ऐड किए अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं रोज़ाना, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा चर्बी कम हो जाती है, एक्स्ट्रा वेट लॉस हो जाता है। कॉफ़ी का सेवन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर वो ब्लैक कॉफ़ी का सेवन विदाउट मिल्क एंड शुगर करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, कॉफ़ी में कैफीन होता है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको स्किन पे एक अच्छा ग्लो चाहिए, तो कॉफ़ी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, कॉफ़ी हमारे डार्क सर्कल्स की समस्या को दूर करता है, एप्लीकेशन से भी और इनटेक से भी ये आपकी डार्क सर्कल्स को कम करने में बहुत ही मददगार है। अगर आप तनाव में रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो कॉफ़ी पीने से आपको राहत मिल सकती है। ये आपके ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करके आपको खुश रखता है। तो अगर आपको अपना मूड चेंज करना है, आपको खुश रहना है, तो ज़रूर 1 कप कॉफ़ी आप रोज़ाना ले सकते हैं। दोस्तों, कॉफ़ी के जितने फ़ायदे हैं, उतने अगर हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, ये ब्लड प्रेशर और बढ़ा सकता है। जो महिलाएं बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये मिसकैरेज या फिर गर्भावस्था की संभावना को बहुत कम करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉफ़ी पीने के फ़ायदे। अगर हम लिमिट में पिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमें कॉफ़ी, और कभी कभार हमको ज़रूर कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो घंटी होती है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग सिंध व्लॉग।